में घूसखोर लेखपाल की गाड़ी से 10 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है, वो विभागीय जांच शुरू कर दी है। घूसखोर के आरोपी लेखपाल भीमसेन की कार को फोरेंसिक टीम ने पुलिस की निगरानी में खोला। कार के अंदर से 10 लाख रुपए हुए बरामद। रामरोली कटारा के रहने वाले एक किसान ने लगाया था गंभीर आरोप में नाम बदलवाने के एवज में रिश्वत में दिए थे 10 लाख रुपए। तहसील में कार को छोड़कर आरोपी लेखपाल भीमसेन कार को छोड़कर हुए थे फरार। आरोपी लेखपाल के खिलाफ थाना शाहगंज उपचार अधिनियम के तहत की मुकदमा दर्ज। कार खोलने के बाद 5 लाख कार के डस्क बोर्ड और 5 लाख कार के पिछले हिस्से से बरामद। आरोपी लेखपाल भीमसेन के बेटे ने आरोप को आधार। बेटे ने कहा पैसा हमारा सबूत देने को तैयार। इस गंभीरता से जांच में जुटी आगरा सदर तहसील में कार्यरत है लेखपाल भीमसेन। घूसखोर के आरोपी लेखपाल भीमसेन को किया निलंबित। आगरा सदर एसडीएम नवोदिता शर्मा ने किया निलंबित। लेखपाल को लेकर विभागीय जांच कराई शुरू। आय से अधिक संपत्ति की कराई जाएगी जांच। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। सर, ये तहसील सदर का क्या मामला है? देखिए, 112 नंबर पे एक शिकायत प्राप्त होती है कि तहसील सदर पे एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 10 लाख रुपए हैं जो कि रिश्वत के पैसे हैं। इस पे शाहगंज पुलिस के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया जाता है। वहां पहुंच के गाड़ी को कब्जा पुलिस लिया जाता है और वह तहसील के अधिकारियों को सूचित किया जाता है। तहसील के अधिकारियों को सूचित करने के बाद, शिकायतकर्ता से बात करने के बाद तहरीर ली जाती है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। जल्द से जल्द इसके जो और जो पहलू हैं उनको छानबीन कर उस पर कार्रवाई की जाएगी और मुलजिम को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।